डीएवी कॉलेज पर एबीवीपी के छात्र नेताओं ने किया प्रदर्शन। फीस को कम करने और दो किस्तों में लेने की मांग, साथ ही पीने के पानी की सुविधा करवाने की भी करी मांग। आज छात्रहितों की मांगों को लेकर एबीवीपी के छात्र नेताओं ने कॉलेज पर प्रदर्शन किया और साथ ही प्रचार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनकी मांग है कि फीस को कम किया जाए, फीस दो किस्तों में ली जाए, रेगुलर छात्रों के लिए पार्किंग की फीस कम की जाए, पीने के पानी की सुविधा की जाए। ये मांगे नहीं मानी जाती तो छात्र बड़ा आंदोलन करेंगे। डीएवी कॉलेज जैनन महाविद्यालय अजमेर के अंदर छात्रहित की मांग को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले ज्ञापन दिया गया। उसमें प्राचार्य महोदय की जो कुछ सुधार किया गया वो हम आपको इंक्रीज करके बता देते हैं। महाविद्यालय के अंदर एग्रीकल्चर फीस को बढ़ाया गया था, उसको कम कर दिया गया है। हॉस्टल की फीस को कम करने का हमें आश्वासन दिया है। कॉलेज के पार्किंग की व्यवस्था है, जो रेगुलर स्टूडेंट की फीस माफ़ की जाएगी। महाविद्यालय में कॉलेज लेक्चरारों को यूजीसी के नियमों के तहत नियुक्ति की जाएगी और जो कॉलेज में एक साथ फीस ली जाती थी वो दो किस्तों में फीस ली जाएगी। महाविद्यालय के अंदर यूजीसी के नियमों की हमेशा अवहेलना की जाएगी पालना, और हमेशा विद्यार्थी परिषद के बैनर तले की जो मांगे रहेगी प्रिंसिपल हमें स्वीकार करेगा। नहीं होती है तो सर ने हमें 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। 7 दिन के अंदर कॉलेज हमने प्रिंसिपल महोदय को और पुलिस प्रशासन के सामने हमने खुला चेतावनी दे दी कि कॉलेज को सोमवार के दिन हम मांगे पूरी नहीं की जाती है, कॉलेज को पूर्ण रूप से हम बंद करवाएंगे। और ये आंदोलन यदि और भी स्वीकार नहीं किया जाता है तो पूरे महानगर में नहीं बल्कि राजस्थान में भी उसका आंदोलन किया जाएगा। महाविद्यालय के अंदर पानी की जो सुविधा, पिछले 2 सालों से पानी की सुविधाओं को काट दिया गया। बिशनपुर के पानी के चलो पहले 4 नलकूप थे उसको 1 कर दिया और उसके अंदर दूषित पानी जो बोरिंग करवा करके कॉलेज प्रशासन उसको छात्रहित को पिलाया जा रहा है, छात्रों को पिलाया जा रहा है। हम उसकी पूर्ण रूप से उसकी जांच करवाएंगे और यदि उसमें पानी में कोई कमी आती है तो कॉलेज प्रिंसिपल के ऊपर कठोर कानून कार्रवाई की जाएगी। फीस को प्रिंसिपल प्राचार्य मोदी ने कम कर दी गई है। सीताराम चौधरी, एबीपी महानगरी।